536 राइट अमोर द विकेट। मसूद हमेशा की तरह पहली ओवर लेकर, खराब गेंद और यहां पर पहली गेंद, और यहां पर अब्दुल गफूर पहले ही निकल चुके थे, यहां पर बगैर देखे निकल चुके थे। नो बॉल, अंपायर का इशारा नो बॉल, 3 रन मिलेंगे यहां पर। अब्दुल गफूर पहले ही निकल चुके थे, मोहम्मद का तैयार नहीं थे मानसिक तौर पर, हाथ में गेंद नहीं आई, नो बॉल, 3 रन, फिर हिट मिलेगा, फिर हिट का मौका है यहां पर वनी के लिए, यानी मोहम्मद कैफ के पास। सेमीफाइनल का मैच चल रहा है, वनी विरुद्ध टेम्पाला। मोहम्मद कैफ, बड़ी मैच, बड़ी टूर्नामेंट और बड़ा इवेंट्स। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छा शॉट है, कैच भी हुई तो भी फ्री हिट है, उसे कोई परेशानी नहीं होगी यहां पर खेलने वाली टीम के लिए। 1 रन मुकम्मल, और इस बार जहां पर रन होना चाह रही था वहां पर नहीं लिया, बाद में कॉल किया था, लेकिन जो भी एक क्रिकेट है, क्रिकेट में यही चीजें चलती रहती है। और इस 1 रन के साथ स्कोर जहां पहुंचा 4 रन, अच्छी गेंदबाजी, हालांकि फ्री हिट था। चार रन, पहली मरतबा किसी टीम का सदस्य 1 रन कम करते हुए नजर आ रहा है। राइट अप ओवर द विकेट, ओ और कॉट बिहाइंड, कॉट बिहाइंड आउट, वेल डन। टेम्पाला के पास बहुत अच्छा क्रिकेट है, चाहे आप उनकी और इस बीच यहां पर एक गेंद, अच्छी गेंद थी, जब तक वहां पर फील्ड करके थ्रो करते, एक इमरान हुर्दू की तरफ से एक इनाम है वनी के लिए। कोई भी खिलाड़ी अगर हैट्रिक विकेट लेता है, हैट्रिक सिक्स लगाते 500 रुपए, और हर सिक्सर पर 100-100 रुपया, और हर विकेट पर 100-100 रुपए इमरान उर्दू की तरफ से। उसी तरह से वनी के लिए उस दिन एक कॉल भी आया था मेरे पास फयाज उर्दू की तरफ से, अफ्रीका से शुभकामनाएं थी उनकी वनी के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, और बड़ा एज यहां पर लगता हुआ, और इसी के साथ मोहम्मद कैफ बैक टू द पवेलियन। पहले वापिस, स्कोर जो है रुका हुआ है 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वेल बॉलिंग, बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, अच्छी लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, सही लंबाई की गेंदबाजी कर रहे हैं, एक अनुशासन के साथ, एक रिदम के साथ गेंदबाजी करते हैं मसूद, बहुत बढ़िया है। स्कोर है 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 1 गेंद आना शेष। क्या बॉलिंग की है, सिर्फ 5 रन दिए, हालांकि उसमें 9 बॉल भी फेंकी है उस 5 में, फिर हिट भी मिला है, लेकिन फिर भी 5 रन दिए। वेल डन, वेल बॉलिंग, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, काबिले तारीफ गेंदबाजी इस प्लेयर की, पूरी टूर्नामेंट में छाप छोड़ी है इसने अपनी गेंदबाजी से। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छा शॉट है, सही शॉट है, सही प्लेसमेंट यहां पर, लेकिन 1 रन तो जरूर मिलेगा, जब तक फील्ड करके थ्रो करते दूसरे रन के लिए दौड़े वहां पर, और अच्छा गैप ढूंढ निकाला था वहां पर, 2 रनों के साथ स्कोर जहां पहुंचाए 7 रन। वेल बॉलिंग, वेल बॉलिंग, 7 रन।
और तो अब यहां पर स्कोर जो है इस वक्त वनी का थोड़ा सा धीमा स्कोर है, 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मसूद ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, टेम्पाला के सामने कितना टारगेट दे पाती वनी की टीम ये देखना होगा। लेकिन आसिफ इस वक्त क्रीज पर है, नॉन स्ट्राइक पर है। समीर एक युवा खिलाड़ी, एक वरिष्ठ खिलाड़ी है, लेकिन मुशर्रफ अच्छी गेंदबाजी की थी। मुशर्रफ ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला था उनको, गए मैच में हीरो रहे थे उस मैच के। राउंड विकेट, अच्छा शॉट, बहुत अच्छा शॉट है, बहुत बढ़िया शॉट, 4 रन, काफी तेज था। फिर से अपने बॉलिंग मार पर जाते हुए मुशर्रफ, पहली गेंद 4 रन आसिफ ने आसिफ को मिले। आसिफ का स्कोर 5, टीम का स्कोर है 11। फिर से एक बार दबा, ओह अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। अंदर टारगेट में की भी गेंद थी, ऑप्शन ऑप्शन से बाहर निकलती भी गेंद को, उसको खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं हो सका। स्कोर जा पहुंचा है 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरी ओवर प्रगति पर है, 2 गेंदे हो चुके, सेमीफाइनल का मैच वनी विरुद्ध टेम्पाला चलता हुआ, जिसमें यहां पर टेम्पाला ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का निर्णय लिया वनी। जजाकल्ला। और अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन। और फिर से एक मतलब इस गेम को उठाकर खेला है, जरूर एक वन 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 रन की तरफ जाती हुई, जब तक फील करके वहां पर दोनों के बीच में वहां पर, लेकिन यहां पर 2 रन मिले हैं, दो आपस में टकरा गए हैं लेकिन 2 रन मिलेंगे यहां पर। अल्ताफ धनसे की तरफ से यहां पर वाईएमसीसी के प्लेयर के लिए एक इनाम है 100-100 रुपए, लेकिन वहां पर शायद हल्की सी चोट आई है, वो जरा देखा जाए, इंपॉर्टेंट है, देखा नहीं था एक दूसरे को। अल्ताफ धनशे की तरफ से वाईएमसी प्लेयर के लिए 100-100 रुपए का इनाम है, छक्का कोई भी लगाता है उसके लिए। और इमरान हुर्दू की तरफ से भी 100-100 रुपए है। सत्रह रन वनी का स्कोर है, 17, 2 विकेट के नुकसान पर। आसिफ स्ट्राइक पर, समीर नॉन स्ट्राइक पर। मुशर्रफ आसिफ के लिए, राउंड विकेट, दौड़ा शुरू किया, बहुत तेज तर्रार शॉट खेलने की कोशिश में। जब आप बहुत ज्यादा ताकत लगाते हैं तो उसमें टाइमिंग मिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, वही कुछ यहां पर देखने मिला है। फिर से एक मत, मुशर्रफ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मुशर्रफ, इससे पहले जब हमने सेमीफाइनल में आपको क्वार्टर फाइनल में भी देखा था मानगांव के विरुद्ध, बहुत अच्छी नफीतुली गेंदबाजी की थी उन्होंने, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, मानगांव कुछ ज्यादा रन नहीं दिए थे और यही कारण था कि जो कुछ रन निकाले और अच्छी गेंदबाजी की, जिसके फलस्वरूप उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला था। राइट आर्म राउंड विकेट, दौड़ा शुरू किया अंपायर को क्रॉस करने के बाद, ये गेंद अच्छी गेंद थी, बैक टू द बॉलर वहां पर कहते मिड ऑन से लॉन्ग ऑन की तरफ जाती हुई, जब तक लॉन्ग ऑन का फील्डर आकर फील करके थ्रो करता, दोनों ने बहुत ही पुराने मान के साथ अच्छा अच्छा अपना अपना छोर बदल लिया थे 1 रन के लिए। 1 रन के साथ आसिफ के हाथ में स्कोर स्ट्राइक रहेगा, स्कोर जा पहुंचा 18 रन 2 ओवर के समाप्ति में। 9 की गति से रन बन पा रहे, काफी धीमा स्कोर है वनी का इस वक्त सेमीफाइनल में, लेकिन फिर भी क्रिकेट है, आने वाले 12 गेंदों में कितने रन बन पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। शाहीन गोरेगांव ने जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की है, एक बड़ी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की है, 1,50,000, 15,000, 15,000, यानी पहला प्राइज है 1 लाख, दूसरा प्राइज है 50,000, तीसरा प्राइज और चौथा प्राइज है 15,000। बड़ा इवेंट से रखा हुआ है, तीसरा दिन है ये टूर्नामेंट का, तीसरा दिन है, कल अंतिम दिन रहेगा, कल हमें 1 लाख रुपए जीतने वाली टीम मिलेंगी यहां पर।
मुशीर मुशीर गेंदबाजी कर रहे हैं राउंड विकेट आसिफ के लिए, राइट आर्म राउंड विकेट। आहा, काफी लंबा शॉट, खरे खरे जगह पर से खेला था इसको। मैच चल रहा है शांत वातावरण के साथ, एक अच्छा क्रिकेट यहां पर खेला जा रहा है। वेल डन, राइट आर्म राउंड विकेट फिर से एक मरतबा आसिफ के सामने। और ये दूसरी गेंद, लगातार दो गेंदे दो सिक्सर। अगर तीस, राइट आर्म राउंड विकेट और ऑप्शन से बाहर जाती हुई गेंद। अंपायर से पूछा, अंपायर ने कहा कि नहीं, अंपायर से अभी भी वो पूछ रहे हैं, लेकिन अंपायर ने कहा कि नहीं, अच्छी गेंद है। वेल डन, वेल बॉल बाय मुशीर। तीसरी गेंद मुशीर की, कोई गेंद नहीं, जानबूझकर ऑप्शन के बाहर फेंका था मुशीर ने। चतुर खिलाड़ी है मुशीर, बहुत चतुर खिलाड़ी है। राइट आर्म राउंड विकेट, बड़ा एज यहां पर लगता हुआ। इस बार मुशीर ने अपनी लंबाई कम कर दी, बिल्कुल भी कम कर दी। जैसे देखा दो दो गेंदे जो फुल लेंथ की थी, उसके बाद अपनी लंबाई ही खींच दिया रही और उसमें आसिफ खरी नए उतरे। राउंड विकेट और ये थोड़ा जल्दी खेला शॉट मुझे समीर ने, एक रन यहां पर दूसरे रन और यहां पर मालूम ही नहीं किस किसी को गलत यहां पर क्रिकेट होता हुआ, लेकिन विकेट मिला, कैच ड्रॉप हुई, विकेट मिला, दूसरा रन हो सकता था वहां पर। मुशीर 32 रन, स्कोर है 32 32। आखिरी बॉल आना बाकी है, स्कोर है 32 रन 32 32। अच्छा वापसी की मुशीर ने, पहली दो गेंदों पर दो सिक्सर लगने के बाद अच्छी वापसी की, रन नहीं दिए। वेल डन, फिर से अपना प्लान बदल दिया, पहले प्लान बी के साथ जा रहे थे, उसमें सक्सेस नहीं हुए, तो फिर अपने वही प्लान में पुराने प्लान पर आ गए, प्लान नंबर ए लेकर आ गए और सही वहां पर गेंदबाजी मुशीर की। वेल डन, 32 रन 32 रन। और आखिरी ओवर था, जल्दी जल्दी ले, हादी अब्दुल हादी आखिरी ओवर लेकर और सामने है उनके रिफत अधिकारी। बनी का स्कोर है 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फहीम जोगिलकर का वेलकम यहां पर, खुश आमदीद। अच्छा शॉट है, अच्छा टाइमिंग है, बेस्ट बॉल है।
रिफत के लिए 100 रुपए जावेद अधिकारी की तरफ से। जावेद आपको गूगल पे करेंगे यार रिफत, क्योंकि हमारे पास छुट्टे नहीं है। वेल डन, वेल, शॉट अच्छा था, टाइमिंग अच्छा था, क्लास अच्छा था, बहुत अच्छा शॉट था। फिर से एक मरतबा राइट अमोर द विकेट, और लेकिन इस बार यहां पर शायद कैच हो सकती है, उसके नीचे मुशर्रफ है और मुशर्रफ ने अब तक जितने भी कैचेस लिए बहुत अच्छे लिए। रिफत गए थे रिफत ने, और फिर से यहां पर आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए। स्कोर है 38 बनी का 38। दो गेंदे फेंके, चार गेंदों का खेल बचा है। रिफत ने एक शॉट लगाया था अपने टीम के लिए, 6 रन बनाकर आउट हुए हैं। लेकिन यहां पर हुसैन, आसिफ और हुसैन अब्दुल हादी गेंदबाजी करते हुए। सेमीफाइनल का मैच है ये, टेम्पल वर्सेस वाइब सिवनी। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, फुल टॉस गेंद, लेकिन इसका फायदा नहीं उठा सके। ये गेंदे बार बार नहीं मिलती इस तरह की, लेकिन 1 रन मिला यहां पर, 39 रन। टेम्पला ने स्कोर अच्छा मेंटेन करके रखा है, ज्यादा स्कोर नहीं दिया है। पहली एक मैच थी जो टेम्पला वहां पर जीती थी, वहां पर एक चेसिंग स्कोर था, उस वक्त जरूर टेम्पला की तरफ से रन गए थे, लेकिन उन्होंने रन बहुत बनाए थे टेम्पला ने। और यहां पर बड़ा एज लगता हुआ 1 रन के लिए। और यहां पर ये जो है रिफत इनाम ने तेरा जावेद की तरफ से। बल्लेबाजी साहब अधिकारी 40 रन बनाए वनी ने। शॉट ऑफ लेन गेंद थी, सही शॉट नहीं लगा, यहां पर 1 रन जरूर मिलेगा जब तक वहां से फील्ड करके थ्रो करते। दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं और दूसरा रन भी वहां पर मुकम्मल नहीं कर सके। और इस तरह से विकेट आखिरी गेंद, आखिरी बॉल, लास्ट टू गो, 41 रन। अब्दुल्ला जी अच्छी गेंदबाजी की टेम्पाला ने, बहुत अच्छी एक अनुशासन के साथ, एक अच्छे रिदम के साथ गेंदबाजी की है टेम्पाला ने। और यहां पर जल्दबाजी में आसिफ ने खेला है, शॉट है और आउट। 41 रन बने, 42 रनों की जरूरत है, 42 रिक्वायर्ड टू विन द मैच। तो ये पहला सेमीफाइनल जो है वो खेला जा रहा है। टेम्पाला के लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं है, सिर्फ 42 रन, एक छोटा सा टारगेट मिला है 10 के अवसर से रन बनाने आए, कोई बड़ी चुनौती तो नहीं है। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। 24 गेंदे 42 रन, न्यूनतम स्कोर के मैचेस हमने बहुत बार एक फाइटिंग स्कोर की तरह होते हुए देखा है, बहुत ही क्लोज करते हुए देखा है मैच को। लेकिन यहां पर क्या होता है, क्योंकि टेम्पाला जो इस वक्त सुबह से खेल रही है बहुत अच्छे फॉर्म में जा रही है, मसूद, नीलेश, ये सब जो है बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में है। मसूद ने तो लाजवाब पारियां खेली है आज, जितने भी पारियां खेली लाजवाब पारियां खेली, चाहे बैट से हो चाहे बॉल से हो। लेकिन वनी के सामने उनका प्रदर्शन जो है वो आप देखने के लायक होगा।
बैठे आसिफ और रिफत के लिए इनाम जो है अल्ताफ धनसे की तरफ से आया हुआ है। 100-100 रुपए एक सिक्सर पे लगे हुए थे, तो 3 सिक्सर के यहाँ पर अल्ताफ ने पैसे भेज दिए। थैंक यू अल्ताफ, अल्ताफ धनसे। तो शाम ढलती हुई, मगरिब का वक्त करीब है, टीम जो है वहीं अपनी फील्डिंग लगा ले जल्दी और मैच जो है वो यहां पर शुरू करे। टेम्पला मुशीर, सॉरी ये अपना मसूद स्ट्राइक पर जाएंगे या नीलेश जाएंगे, मसूद और नीलेश, निखिल 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 जो है वो नॉन स्ट्राइक पर है और मसूद जो है वो स्ट्राइक पर है। टेम्पला की तरफ से 42 रन चाहिए, 42 रन सिर्फ चाहिए, 10 के अवसर से रन बनाना है, थोड़ा ज्यादा यानी आप समझ सकते हैं कि 10.50 10.5 के अवसर से रन बनाना है, कोई बड़ा टारगेट नहीं है। पहली मैच जो खेली थी वो 99 रन बनाए थे इस टीम ने। समीर पहले ओवर की पहली गेंद लेकर, समीर वहीं की तरफ से पहली ओवर लेकर मसूद के सामने, राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद और इस गेंद को खेल दिया है और गेंदबाजी लाइन के बाहर, 4 रन। समीर राउंड ओवर द विकेट दौड़ा शुरू किया और यहां पर हल्की सी अपील लेकिन नकार दिया इस अपील को। तो 2 गेंदे हुए, 4 रन, 42 रनों की जरूरत है, सेमीफाइनल का मैच है ये। ये 2 टीमें जो इस वक्त खेल रही है, कौन सी टीम जीतेंगी वो कल यहां पर फाइनल खेलते हुए भी दिखेंगे कल शाम में इसी वक्त। जो भी टीम जीतेंगी, हारने वाले टीम के लिए 3rd और 4th प्राइज पर रहना पड़ेगा। प्राइज तो मिलेगा एक टीम को, प्राइज तो है किसी भी एक टीम के लिए, दोनों टीम के लिए प्राइज है, 3rd, 4th या पहला दूसरा, चारों में से कोई एक प्राइज तो इन दोनों टीमों में से एक को है, दोनों टीमों को है। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए समीर और यहां पर खेल दिया है उसके नीचे खिलाड़ी और इसी के साथ वहां पर फील्डिंग लग नया बल्लेबाज सादिक, लेकिन यहां पर फील्डिंग लगाई थी उनको, जानबूझकर पहले शॉट खेलने के बाद फील्डिंग लगाई थी वहां पर मसूद के लिए। यार बड़ा विकेट है ये, अगर टेम्पला के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत बड़ा विकेट है ये, बहुत बड़ा विकेट। 4 रन, 1 विकेट, 2 गेंदें बाकी है। वेल बॉलिंग समीर, प्लानिंग के साथ गेंदबाजी हो रही है। राइट आर्म ओवर द विकेट और यहां पर फिर से एक मतलब हल्की सी वहां पर अपील जरूर की गई है लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं।
पांच गेंदे फेंकी है, चार रन दिए, एक विकेट प्राप्त किया। वाओ व्हाट अ बॉलिंग बाय समीर, वेल डन, वेल बॉलिंग। अच्छा एक रोमांच लाया है, सेमीफाइनल मैच जिस तरह से होना चाहिए वो यहां पर दिखाते हुए समीर, वेल डन, वेल बॉलिंग। चार गेंदे एक रन, पहली बार पर चौका लगा था, पांच गेंदे हुए, सॉरी पांच गेंदे हो चुकी है। राइट आर्म ओवर द विकेट और यहां पर चकमा खाते हुए, वेल डन, वेल डन। इस तरह से पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर है पांच। वनी अगर जीती है तो नाजिम हुरजुक की तरफ से ₹1000 मिलेंगे। हाँ जावे जावे। लेकिन यहां पर मोहम्मद कैफ के हाथ में गेंद थमा दी गई है। मोहम्मद कैफ बॉलिंग करेंगे, समीर वेल बॉलिंग, बहुत बढ़िया बॉलिंग, वेल डन। हालांकि क्वार्टर फाइनल में समीर ने गेंदबाजी अच्छी नहीं की थी, लेकिन यहां पर बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, काबिले तारीफ, वेल डन समीर। और वो भी प्लानिंग के साथ गेंदबाजी की, चतुर खिलाड़ी हैं, क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, काफी सालों से क्रिकेट खेल रहे, वरिष्ठ खिलाड़ी हैं। और वो बता दिया कि मैं एक मैच नहीं खेलूं तो चार मैच बहुत अच्छी खेल सकता हूं। फील्डिंग लगा ली गई है, लॉन्ग ऑफ लिया हुआ है, लॉन्ग ऑन लिया हुआ है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर है, मिड विकेट है, स्क्वायर लेग है, फाइन लेग 30 गज के दायरे के अंदर है, थर्ड मैन पर 30 गज के दायरे के अंदर है, कवर पर है एक फील्डर। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, ब्लॉक हाल में फेंकने की कोशिश, एक रन मिलेगा यहां पर, एक रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, टेम्पाला का स्कोर जहां पहुंचा है 6 रन एक विकेट के नुकसान पर, 1.1 ओवर यानी दूसरी ओवर प्रगति पर है, शाम ढलती हुई, मगरिब का समय करीब आता हुआ। वनी के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो मसूद का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विकेट प्राप्त किया समीर ने, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, प्लानिंग के साथ गेंदबाजी की। फरमान गोटेकर यहां पर चले, फरमान गोटेकर निखिल लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, निखिल स्ट्राइक पर, और मोहम्मद कैफ इस बार गेंदबाजी करते हुए, मोहम्मद कैफ राइट आर्म राउंड द विकेट दौड़ना शुरू किया अंपायर को क्रॉस करने के बाद, और यहां पर कैच हो सकती है, नहीं, गेंदबाजी के बाहर, और बहुत अच्छी बात है यहां पर कैच, क्या छुट्टी है, क्या छुट्टी है वहां पर, लेकिन रन नहीं मिले, सिर्फ 2 रन या 1 रन मिला यहां पर, 1 रन, हालांकि समीर के हाथ से क्या छुट्टी है। कैच यहां पर, हालांकि मोहम्मद कैफ अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, एक अनुशासन के साथ गेंदबाजी हो रहे हैं, अच्छे टप्पे के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं मोहम्मद कैफ। स्कोर हुआ है टेम्पाला का 7 रन, जिस तरह से टेम्पाला ने पहली मैच खेली थी 99 रन बनाए थे टेम्पाला ने, उसको देखते हुए ये स्कोर टेम्पाला के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है वनी ने अब तक, अल्टी पल्टी भी हो सकता है हमारे नायब सदर कह रहे हैं गोरेगांव के। अच्छा शॉट है, बड़ा शॉट है, लंबा शॉट है, मिड विकेट के बाहर 6 रन।
दोनों शॉट भी सेम एक तरह के थे। वेल डन सादिक, वेल प्लेड, बहुत बढ़िया। मोहम्मद कैफ काफी महंगे साबित होते हुए, दो लगातार दो बॉल पर दो सिक्सर, अच्छा क्रिकेट जाता हुआ, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर आता हुआ। अभी भी मैच जो है दोनों पक्ष में अच्छा मैच चलता हुआ। 1.4 ओवर हो चुके हैं। अरे तीसरा सिक्सर, ये तीसरा सिक्सर, तीसरा सिक्सर। सिक्सर पर स्कोर है 25 रन एक विकेट के नुकसान पर, 25 रन एक विकेट के नुकसान पर। टेम्पाला नॉन फायर, सादिक वेल प्लेड, सादिक बहुत बढ़िया, लगातार तीन गेंदे तीन सिक्सर, 18 रन तीन गेंदों में। सादिक के लिए ना सलाउद्दीन अंसुलकर की तरफ से सादिक के लिए 200 रुपया। राइट आर्म और दो विकेट, और अच्छी फील्डिंग वहां पर, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। बहुत ही खराब क्रिकेट वनी की तरफ से, 6-6-6-2, तीन सिंगल तीन सिक्सर, तीन सिंगल। सत्ताईस, 12 गेंदों में 15 रन चाहिए, 12 गेंदे 15 रन। मोहम्मद कैफ की बहुत महंगी ओवर है, 21 रन दिए इस ओवर में, तीन सिक्सर तीन सिंगल। अनुशासन के साथ एक गेंदबाजी होना चाहिए, एक रिदम के साथ होना चाहिए, वो यहां पर देखने नहीं मिली। एक प्लानिंग के साथ गेंदबाजी की समीर ने, बहुत बढ़िया प्लानिंग के साथ। पब्लिक को यहां पर दिखा रहे हैं, यकीनन कैमरा मैन देख रहे, देखिए कि चारों तरफ पब्लिक को दिखा रहे हैं कि पब्लिक कितनी है, कि दूर दराज जो लोग हैं वो भी यहां पर देखे कि पब्लिक इस वक्त ग्राउंड पर कितनी है। बॉलर जो है वो है रिफत, रिफत 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 गेंदबाज है। 12 गेंदे 15 रन, अभी भी मैच दोनों पक्ष में, लेकिन इस ओवर में थोड़े ज्यादा रन आने की वजह से मैच वनी के पक्ष से थोड़ा निकलता हुआ आया और टेम्पाला के जोली में आकर गिरा हुआ है। लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। तो अब रिफत सामने लेफ्ट हैंड बैट्समैन के, राइट आर्म राउंड विकेट, लेकिन यहां पर रन मिलेंगे। 4 रन, वेल शॉट, 4 रन। टेम्पाला, अच्छा टेम्पाला ने खेला, 31 रन। रिफत फिर से एक बार बॉलिंग मार पर, राउंड विकेट ढोना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, और इसी के साथ इस मैच को अपने पक्ष में झोली में कर दिया 6 रनों के साथ। फाइनलिस्ट टीम पहले मिलती हुई यहां पर नजर आ रही है, पहली टीम सेमीफाइनल से जीतकर। जरा रोके रोके रोके, जरा मैच अभी फिनिश नहीं हुआ है। टेम्पाला जरा सावधानी बरते, टेम्पाला जरा सावधानी बरते प्लीज। और इसी के साथ मैच खत्म कर दिया है टेम्पाला, फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम टेम्पाला।
मैन ऑफ द मैच निखिल अपना इनाम निकल जाए। वेल वेल प्लेड, बहुत अच्छा बढ़िया खेला आपने, बहुत ही बढ़िया। टेम पाला बता सकती है।